In this module, we are going to discuss the structure of an income statement. As we have already discussed, that in order to understand the overall level of profitability of a firm or a company, it is important to look at the income statement. So, what are the various components or heads that are considered or accounted for when we construct an income statement? Uh, using a hypothetical company example, we this is what we are going to do in this module. So, when we look at the overall structure of an income statement, we see that it gives us the value for the net income, which is calculated by taking the difference between the revenue and the gains minus the losses as well as the expenses. So, what we are going to do is we are going to take into account four types of values. We are going to consider all the different types of revenues. Then the gains, add them up, and then we are going to consider all the various types of expenses, whether they are being incurred on the primary activity or the secondary activity. So, all the various types of expenses are to be accounted for, and then you are going to account for the losses, add them up, and whatever sum is obtained, this particular value will be subtracted from the sum of the revenues and the gains. So, when we calculate the value, or the difference between the revenue plus gains and the um, and the expenses and the, plus the losses we get the value for the net income and i'm going to explain this using an example from a hypothetical company called xyz so we are going to discuss the various heads that are accounted for in order to construct the income statement फॉर इलास्ट्रेशन पर्पज़ हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंपनी है एक्स वाई जी और ईयर टू थाउजेंड वन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका कितना एक्सपेंसिस बियर किए उसके टोटल रेवेन्यू कितने थे उसने डिविडेंड कितना दिया ये सब इन्फॉर्मेशन को हमने हासिल किया है और अभी उसके लिए उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होगी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं तो सपोज़ हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुई है दैट इज़ टू हंड्रेड मिलियन डॉलर और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया जो कॉस्ट आपने बियर किया है लेबर के ऊपर और रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर परचेज करने के ऊपर टोटल जो कॉस्ट आया आपका दैट इज़ सपोज 110 मिलियन डॉलर्स आपने ये 200 मिलियन डॉलर की जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो आपके पास इसको माइनस करने से जो वैल्यू मिला है दैट इज़ द ग्रॉस मार्जिन In order to find out the ऑपरेटिंग इनकम फ्राम द ग्रॉस मार्जिन वी नीड टू सब्रैक्ट द जनरल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस का मतलब है जो manager वगैरह को आपने तनख्वाही दी हैं ओवरऑल मार्केटिंग के लिए आपने जो एक्सपेंसिस किए हैं सपोज दे टर्न आउट टू बी थर्टी मिलियन डॉलर तो हम जो नेगेटिव वैल्यू करें हम उसके ऊपर पैरेंथिस शो करें बताने के वास्ते कि ये वैल्यू नेगेटिव हुई है आपने अपने ग्रॉस मार्जिन जो कि 90 मिलियन था उसमें से आपने जनरल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जी एस ए को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आएगा विच फॉर दिस एग्जाम्पल इट इज़ सिक्सटी मिलियन डॉलर फिर आपने ऑपरेटिंग इनकम में से सब्ट्रैक्ट किया अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, आपने अपने अपने फर्म को काम करने के लिए लोन बो की थी और उसकी आपने हर साल इंटरेस्ट देनी है तो जो आपने इंटरेस्ट दिया है दैट टर्नड आउट टू बी फॉर एग्जांपल ट्वेंटी वन मिलियन डॉलर तो आपने वो सब किया तो आपके पास जो इनकम जनरेट हुआ है अभी ऑपरेटिंग इनकम में से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला तो आपके पास जो इनकम आया है ये वो इनकम है जिसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज होगी तो दे वी कॉल दिस थर्टी मिलियन की वैल्यू एज द टैक्सीबल इनकम टैक्सीबल इनकम के ऊपर आपने uh, सरकार के जो बताए गए रेट के मुताबिक आपने टैक्स डिडक्ट की हमने ज्यूम किया है वो 15.6 मिलियन डॉलर था आपने वो सब किया तो आपके पास 23.4 मिलियन डॉलर की वैल्यू आई दिस इज़ द नेट इनकम विच हैज़ बीन जनरेटेड फॉर दिस इमेजनरी कंपनी एक्स वाई जी फॉर द ईयर टू और अब अगर हमने इसमें से 23.4 इज़ आवर नेट इनकम हमने फिर कंपनी डिसाइड्स कि इसमें से डिविडेंड कितना देना है आपने रिटर्न अर्निंग्स कितने करने हैं तो सपोज द कंपनी हैज़ डिसाइडेड कि इसमें से जो दस मिलियन डॉलर है इस ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर में से वो डिविडेंड दिया जाएगा और बाकी का जो तेरह पॉइंट फोर मिलियन डॉलर है दैट विल बी रिटेन एज फॉर द कंपनीज ऑपरेशंस तो हमने उसको रिटेन किया इसके बॉटम में आपको एक और वैल्यू देखने को मिल रही है दिस इज़ अर्निंग पर शेयर ये जो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डॉलर की वैल्यू है दिस इज़ द ओवरऑल पर शेयर वैल्यू आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो वैल्यू आपने डिटर्मिन किया है आपने नेट इनकम को अकाउंट फॉर करके दैट इज़ calculated to be 23.4 per share so this is how we construct the income statement for any firm that you can see that in in, in the beginning we considered the overall sales revenue usme se aapne nikala gross margin gross margin mein se aapne sare administrative expenses ko minus karke operating income nikali fir aapne उसके अलावा जो आपने interest वगैरह के ऊपर payment करा था वो deduct करने के बाद आपने taxable income निकाला टैक्सीबल इनकम के ऊपर आपने जो टैक्स देना था वो आपने शो किया कि हमें इतना टैक्स देना है अभी जो इनकम बच गया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द नेट इनकम और वहाँ से फिर आप एलोकेशन करते हैं कि हमें एक्विटी में कितना अपने पास रिटेन कितना करना है मनी और डिविडेंड के फॉर्म में कितना पैसा देना है एंड दिस इज़ प्योरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या जो भी आ, आपके मैनेजर्स हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि आपने ओवरऑल नेट इनकम का कितना प्रोपोर्शन खुद रखना है या कंपनी के पास रहेगा और कितना आपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं सो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ हाउ एन इनकम स्टेटमेंट लुक्स लाइक एंड दीज आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट और इनकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमें क्या बता रही होती हैं तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट जनरली बता रही है कि आपने एक साल के अंदर नेट इनकम जो आपके पास आया है सारे एक्सपेंसेस हर तरह के एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद टैक्सेस के देने के बाद Uh, सूद के पैसे देने के बाद वो आपने दिखाया है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर मिलियन डॉलर तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने उसको नुकसान नहीं हो रहा वेन वी लुक एट द इनकम स्टेटमेंट बट इन ऑर्डर टू हैव अ ब्रॉडर पिक्चर और अ कम्प्लीट पिक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द अदर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो सो ओनली द इनकम स्टेटमेंट विल नॉट बी सफिशंट टू कम अप विद अ सर्टन डिसीशन